तारी कहवा गई नीलरी कैया हो तनि हमके बताई दा। हमारी बात कान खोल करके सुनो, आज हमें खबरी लाल ने खबर दिया है कि डाकू सूरज चंदा का गो जो चंबल घाटी में झीलम नदी का पुल बना हुआ है उसी पुल के करीब में देखा गया है। इसलिए काम कर, ड्राइवर से बोल गैरेज से गाड़ी निकाले, हमें तुम्हें जानते हो कहाँ चलना है। अरे एक पल की देरी नहीं लगाना चाहिए, एक पल की देरी नहीं लगाना चाहिए, अरे चंबल घाटी की तरफ पैगाम बढ़ाना। कहने का मतलब, मैं अचानक मशहूर चंदा के अड्डे पे रेट मारने वाला था, गेट पे कोई फरियाद लेकर के आया है। चौकीदार फौरन भागता हुआ जा देख गेट पे कौन है। मैं बैठा होता था, भवानी सिंह और भानु सिंह आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। ठाकुर भवानी सिंह अचानक थाने की तरफ, तुझे नहीं मालूम है ठाकुर भवानी सिंह और ये अवधेश सिंह साथ साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया है। इतना ही नहीं, जश्न तो है लेकिन तुझे मालूम होना चाहिए जान। चौकीदार जा फौरन गेट पे जा, जमींदार ठाकुर भवानी सिंह उनके दोस्त को इज्जत के साथ में लेकर के। प्रिय दोस्त अवधेश इंस्पेक्टर को नमस्कार। आज अचानक थाने की तरफ मैं जानकारी करना चाहता हूँ, मेरे दोस्त भवानी सिंह और अजी क्या बात है ठाकुर हमारे पास आए। तुम तकलीफ लाए
कौन सा पकाम पड़ गया तो आपको थाने की तरफ आना पड़ा। इंस्पेक्टर अवधेश, आपको मैं माम आपको मालूम होना चाहिए मैं बहुत जल्दबाजी में था और आपसे पड़ गया, आपसे पड़ गया और एक काम जरूरी। आपको मालूम होना चाहिए ये हमारा दोस्त ठाकुर भानु सिंह है। मानता हूं मेरे पास रियासत का कारोबार ज्यादा है। रियासत का कारोबार देखने के लिए हमारा दोस्त रियासत को टहलने के जा रहा था। क्यों नहीं, रियासत जसवंत नगर झोपड़पट्टी में एक पार्वती नाम की बुढ़ी रहती है। तो उससे क्या वास्ता है? बुढ़ी का लड़का एक करण है। करण और हमारे दोस्त की हाथापाई हो गई। करण ने हमारे दोस्त को उठा करके जमीन पे कई बार पटक दिया। क्या बात? ये रोता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ मेरी चौपार में आया और जिस वक्त बताया कि पार्वती का लौंडा करण मुझ पे मारा है तो मेरे एकदम गुस्सा आ गया। मैंने तुरंत गैरेज से निकाला गाड़ी, पार्वती की झोपड़ी तक पहुंचा। लेकिन पार्वती से पूछने लगे कि तुम्हारा बेटा करण कहाँ है तो पार्वती ने अपनी जुबान का बंद हुआ ताला नहीं खोला और इसने क्या किया, पार्वती को निकाल लिया अपने रिवॉल्वर और पार्वती का मर्डर कर दिया। क्या आपका दोस्त भानु सिंह? हाँ। 302 का केस किया है मेरे दोस्त भवानी सिंह। बोलो। समझो आपका दोस्त तो काम से गया। क्या काम से गया? इसे कोई नहीं बचा सकता। क्यों क्यों इंस्पेक्टर? क्योंकि 302 किया है और आपने इकबाल जुल्म जो है अपने हाथों से बयान किया। मेरा दोस्त 302 का मुस्लिम है। हाँ। मैं इनके गुनाहों को आपके सामने कबूल करता हूँ इंस्पेक्टर। हाँ। आपको मालूम होना चाहिए आपने क्या वादा किया था कि जब तक हम रियासत जसवंत नगर थाने के अंदर तैनात रहेंगे मेरे दोस्त तुम पे कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इसी के साथ साथ आए हो, मेहनत किए हो, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में अपने बदन पे इस वर्दी को धारण किया है, कम से कम कुछ फायदा उठाओ। क्या कहना चाहते हो आप? कहना चाहता हूँ 10 रुपये 1 लाख ले लीजिए। और इसकी गोली से है पार। इसी वक्त मेरी गाड़ी में बैठो और चल करके पार्वती का पंचनामा लिख दो। क्या थोड़ी सी बात क्या कह दिया, 1 लाख रुपए निकाल। 1 लाख मेरे दोस्त, अगर आप 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं तो कसम उड़ान छल्ले की हमें ये सौदा। इस पट्टर अवधेश, अगर ये सौदा मंजूर है, अगर केस को बना दिया कहीं उल्टा तो रुपए दूंगा 5। पूरा 5 लाख रुपया दूंगा। क्या? एक बार फिर से कहो। 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख। हम जानते हो क्या करेंगे। क्या करोगे? अरे 5 लाख में, 5 लाख में ये अवधेश सिंह
अपने माँ बाप का खून पानी की तरह। मेरे दोस्त को देखा, समझ गए मेरे दोस्त, आपका दोस्त नहीं, समझो कोई फरिश्ता है। बैठो बैठो मेरे दोस्त, बैठो, आओ दीवान। एक काम करो, तुम लोग तब तक बैठ करके कैंटीन में चाय पियो, हम अपने दोस्त के साथ कुछ बातचीत करूंगा। मेरे दोस्त भवानी सिंह, आए हो जसमंत नगर थाने की तरफ, अगर ज्यादा कुछ सेवा नहीं कर सका तो कम से कम शिकायत तो। हमारा भी कहना है, अरे बर्बादी बर्बादी बर्बादी, जसमंत नगर में वो बर्बादी फैलाऊंगा, ये दिन जसमंत नगर को अपना गुलाम। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम करण है साहब। ये बॉडी किसकी है? ये हमारी माँ है। तुम्हारी माँ है? ट्रक के नीचे आके मर गई या दीवार के नीचे दबके? नहीं तो ट्रक के खाले आई है, नहीं तो दीवार के नीचे। साहब हमारी माँ का कत्ल हुआ है। कत्ल? खून और कत्ल इंस्पेक्टर अवधेश सिंह के रहते हुए जसमंत नगर में? अरे किसने तेरी माँ का मर्डर किया है, मुझसे साफ साफ बोल। साहब जरूर बताऊंगा साहब, और आया हूँ साहब इंसाफ के, आया हूँ साहब। चाहते हो कि किसने हमारे माँ का मर्डर किया है? मैं वही तो जानना चाहता हूँ, आखिर में खून कत्ल तेरी माँ का किसने किया जो है? बराबर में तो साफ साफ बता। मैं उनके हाथों में हथकड़ी डाल करके घसीटता हुआ अदालत ले जाऊंगा, अदालत से सजा या तो उम्र कैद या फांसी। साहब आप जो ये दोनों को बराबर में बैठा रखे हो, हमारे माँ के कातिल ठाकुर भवानी सिंह है। ठहरो ठहरो मेरे दोस्त, किसी के ऊपर तोहमत लगाना अच्छी बात नहीं है। तेरे माँ का मर्डर कई बजे हुआ था? 12 बजे हुआ है साहब। 12 बजे तेरी माँ का मर्डर हुआ था, और ये 9 बजे से जसमंत नगर में बैठे थाने में है, क्योंकि समाज सेवा की मीटिंग चल रही, उसी में भाग लिया इस लोग। नहीं साहब आप झूठ बोल रहे हो साहब। नहीं, इन लोगों ने हमारी माँ मरते मरते हमारे हाथों में दम तोड़ा है। हमारी माँ ने सब साफ दो साफ साफ में बताया है कि ये लोगों ने हमारी माँ का मर्डर किया है साहब।
करण, अगर तेरी माँ ने बताया है तो जा अपने माँ से बोल कि मेरे सामने बयान करे, मैं इनके हाथों में तुरंत हथकड़ी डालूंगा। अब क्या बयान देगी, वो अपनी दम को तोड़ दिया है साहब। साहब इस बात का राज हम जानते हैं, कहने का मतलब इस बुढ़ी का मर्डर इसलिए हुआ है, एक लड़की को फांस रखा है, उस लड़की का नाम माया है। इसकी माँ जब इसको मना किया तो कई बार मना करने के बावजूद इस जब मना करने पे तुल गया और इस लड़की का हाथ छेड़ना नहीं चाहा, इसलिए अपनी माँ का गला दबा दिया है। कहने का मतलब ये साला करता है गुंडेबाजी। हाँ, लौंडिया फांस है, सटिया बाजी में पागल है। चौकीदार कहाँ मर गए रे, बॉडी को उठाओ, शील कर पोस्टमार्टम के लिए चील हाउस भेजो। बिल्कुल साहब, ये आगे हमारे भैया पुनीत कुमार वाजपेयी नपुर की तरफ से, ये भैया की तरफ से 100 रुपये मेला कमेटी में प्रदान किया पार्टी तरफ से, धन्यवाद। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो आप जा सकते। Yeah.